मुझे भी पिछले हफ्ते खरीदने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा। आज सबसे बड़ा दलाल और खरीद करने वाले धंधा बीजेपी कर रही है। 11 लाख करोड़ रुपया प्रदेश की जनता का बड़े 15 उद्योगपतियों को दे दिया गया है, उनका माफ कर दिया गया है। 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ जो भी डॉक्टर साहब बोलते हैं उन्हें का वो तो बिकने वाले हैं नहीं। और जिस गंगा माता को मानते हो उसके ध्यान कर करके कसम खाओ कि आपने ये बोला कि नहीं बोला। तो जो राजू शांत को खरीदने के लिए कर सकते हैं तो सह प्रभारी वगैरह तो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं। मुझे नहीं 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 धमकी मेरा मैं फकड़ आदमी, मुझे क्या धमकी देनी है। इनके बस की बात होती तो मुझे अंदर करते, ठीक है कि नहीं। लेकिन सत्येंद्र जैन जब से हम कह सकते हैं पूरा उनके ऊपर सिनेरियो चला है तब से लेकर के आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आई है। पहले ऐसा था कि जनसभाएं हो रही थी, अप फ्रंट दिख रही थी, पंजाब में सरकार बनी हुई थी, एक बढ़िया माहौल बना हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि सत्येंद्र जैन जी के जाने के बाद जो मोमेंटम था वो कम हुआ है? नहीं, मोमेंटम कोई कम नहीं हुआ बल्कि अंडरकरंट ज्यादा हो गया। सत्येंद्र जैन जी के डर के मारे उन पर झूठे केस बनाए गए हैं और कोर्ट ने मजाक उड़ा दिया है ईडी का, दूसरे चीज का। कोई प्रूफ आज तक आया नहीं है और वो छूट के आने वाले हैं। तो इसलिए लोगों में पहले से ज्यादा गुस्सा है कि जो नेता यहाँ आते हैं उनके ऊपर केस बनाते हैं। सिसोदिया जी आने वाले थे, उनको भी कटघरे में खड़ा करने की बात की है। तो वहां के नेता यहाँ आए न आए लेकिन एक फीलिंग, एक भावना अंदर तक चली गई है। सह प्रभारी ने आपके जो है वो भाजपा ज्वाइन कर लिया है। आप जिसको कह रहे हैं कि भाई मुख्य विपक्षी दल की लड़ाई यहाँ पर भाजपा लड़ रहा है, आपके लोग वहीं पर जाकर के जो है वो पटका पहन रहे हैं, फूल मालाएं पहन रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज सबसे बड़ा दलाल और खरीद करने वाले धंधा बीजेपी कर रही है। 11 लाख करोड़ रुपया प्रदेश की जनता का बड़े 15 उद्योगपतियों को दे दिया गया है, उनका माफ कर दिया गया है। तो जब 11 लाख करोड़ दिया है तो उसमें से आप निश्चित तौर पर 25% भी अगर इनको मिल गया हो तो इनके लिए, तो अगर एक MLA 50 करोड़ में खरीद सकते हैं तो कोई भी ऐसा नेता अब जा सकता है 100 करोड़ 200 करोड़ में। और मैं आज जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, दूसरों की बात सुनी सुनाई होगी, मुझे भी पिछले हफ्ते खरीदने की कोशिश की गई। अच्छा, बीजेपी के द्वारा। नाम बताना चाहेंगे? नाम नहीं बताना चाहूंगा। जो नाम, छोटा नाम कैसे? यहाँ बड़े छोटे नहीं है, दलाल हैं। दिल्ली से प्रयास किया गया और मुझे कहा गया कि एक बार हमसे बात कर लो और आपको साथ बात करेंगे। तो हमारे जिस आदमी से बात हुई उसने कहा क्या बात करेंगे हम डॉक्टर साहब से, वो तो बड़े सख्त हैं इन चीजों के, नहीं उनसे बात करो कि एक बार हमसे बात कर लें तो उनको कुछ भी किया जा सकता है। मुझे नहीं 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 धमकी मेरा, मैं फकड़ आदमी, मुझे क्या धमकी देनी है। इनके बस की बात होती तो मुझे अंदर करते, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये कहा गया, मैं तो चुप था लेकिन क्योंकि आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित है तो मैं समझ रहा हूँ ये उपयुक्त इस प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है, जनता को पता लगना चाहिए। कहा गया कि अगर एक MLA को हम 25-30 करोड़ में खरीद सकते हैं तो डॉक्टर राजशांत तो बड़ी हस्ती हैं और प्रदेश के बड़े नेता हैं, देश में भी नाम चलता है, तो उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लिमिट नहीं है। 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ जो भी डॉक्टर साहब बोलते हैं उन्हें कहा वो तो बिकने वाले हैं नहीं, तो दूसरा करो उनसे फिर। और उसमें बुराई भी नहीं है, उनको बड़ा पद दे देंगे। तो पूछा गया क्या पद देंगे, हम केंद्र में मंत्री बना देंगे एकदम से। कैसे बनाएंगे, लोकसभा तो दूर है। कहा राज्यसभा बनाई जा सकती है, हम तो अपने जवान के बड़े पक्के हैं, किसी भी राज्यसभा मेंबर को रिजाइन करवाएंगे और जैसे हमारी बात होती है अगले दिन राज्यसभा कैंप है, उससे अगले दिन शब्द दिला देंगे, चुनाव से पहले शब्द दिला देंगे। बड़ी बात यहाँ पर कही गई, ये तो सौभाग्य है मेरा कि भगवान ने हर परीक्षा से मुझे पास किया है। तो अब राजनीति के आखिरी शोर पर बैठा हुआ हूं मैं, तो अब मैं बच गया। मेरी विल पावर, मेरे संस्कार, उन्होंने ना 100 करोड़ रुपए की परवाह की, ना केंद्र में मंत्री बनने की परवाह की। मेरे सामने जिन्होंने भेजे थे, मैं कहूंगा एक दिन उनका, मेरी आंख में आंख मिला के और जिस गंगा माता को मानते हो उसके ध्यान कर करके कसम खाओ कि आपने ये बोला कि नहीं बोला। तो जो राजू शांत को खरीदने के लिए कर सकते हैं तो सह प्रभारी वगैरह तो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं।
तो निश्चित तौर किसी को करोड़ों रुपया दे दिया होगा, चला गया होगा, उससे हमारी बात नहीं बनती। हमारे हजारों हजारों वर्कर डेडिकेटेड हैं, गरीब हैं, हमारे साथ बेरोजगार नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, हरिजन वर्ग है, ये सब एकजुट होके, मैं तो इतना बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं। मैं गांव में जाता हूं, जो कभी मुझे बोर्ड नहीं दिखाते थे, अभी मैं कल गया था 108 पंचायत में, एक महाशा बरादरी का एक गांव है, गरीब लोग हैं, टोकरियां बेच करके काम करते हैं, हमसे आंख नहीं मिलाते थे, कल मैं गया सारा बच्चा बच्चा प्रमाण आ गया। और अंडरकरंट क्या है, अंडरकरंट किससे जायज करेंगे, हम चलने लगे 77 की वेव देखी मैंने, बच्चे 10 साल के अपने आप नारे लगा रहे हैं, डॉक्टर राजनाथ जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, दिस इज अंडरकरंट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।